देश की नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राजस्थान के सिरोही से एक अलग ही नाता है। यहाँ बने ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का उनके जीवन में बदलाव लाने में अहम हिस्सा रहा है। जब वे एक समय पर डिप्रेशन में थी तब वे यहाँ पर आकर आत्मध्यान और ध्यान दिया करती थी, जो उनके जीवन में बड़ा बदलाव लेकर आया है। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बन चुकी हैं। वो देश की पहली आदिवासी महिला हैं जो राष्ट्रपति बनी हैं, लेकिन उनका राजस्थान के सिरोही से अलग ही नाता है। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से मुर्मू न केवल दिल की गहराइयों से जुड़ी हैं, बल्कि उनकी तरह एक तपस्वी का जीवन भी जीती हैं। अपने जीवन में सबसे ज्यादा बदलाव आने का श्रेय वो इस संस्थान को देती हैं। उनका कहना है कि यहाँ जुड़ने के बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया है। इस अनूठी संस्था के निराकार शिव बाबा के साथ मुर्मू का एक इमोशनल कनेक्शन है। इसका जिक्र खुद मुर्मू ने कुछ साल पहले झारखंड की राज्यपाल रहते हुए संस्था के मुख्यालय माउंट आबू में एक कार्यक्रम के दौरान किया था। मुझे बहुत बार बुलाए हैं, लेकिन बाबा मुझे जो काम में नियुक्त किए हैं, बाबा के काम के साथ साथ बहुत सारा काम मुझे के लिए मुझे समय देना पड़ता है। इस पद में आने के बाद जो भी मैं हूँ बाबा के लिए ही हूँ। द्रौपदी मुर्मू 2009 में ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़ी थी। जब वो झारखंड की राज्यपाल थी, उन्होंने अपने जीवन में दुखों के पहाड़ को भी उठाया है। मुर्मू ने 4 साल के भीतर अपने 3 करीबियों को खो दिया। 2010 से 2014 के बीच द्रौपदी के 2 बेटों और पति की मौत हो गई थी। पहले अपने बड़े बेटे को खोया, फिर 2014 में अपने पति को। सबसे ज़्यादा वो अपने छोटे बेटे के खोने पर टूट गई थी। वो बताती हैं कई महीने तक वो डिप्रेशन से नहीं निकल पाई थी। गम से निकलने के लिए उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया और लंबे समय बाद डिप्रेशन से बाहर आई। उनके घर के अंदर आज भी पूजा का कमरा वैसा ही है जैसा उनका ब्रह्मा कुमारी सेंटर में हुआ करता था। पूजा पाठ में वो उसी तरह ध्यान लगाती हैं जैसा वो सेंटर में लगाया करती थीं। उनका कहना है कि ध्यान लगाने से मेरे जीवन में बदलाव आने लगे हैं। चली जाती, क्योंकि भाई बहन बहुत प्यारे होते हैं। उनका सकास लेने के लिए, उनका दृष्टि लेने के लिए, मैं वहाँ का वाइब्रेशन लेने के लिए मैं जाती हूँ, क्योंकि यहाँ वहाँ का माहौल में अलग से महसूस होता है, अलग से दुनिया में थोड़े थोड़े देर के लिए जीने के लिए मन कर रहता है। इसीलिए मैं बार बार जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। द्रौपदी मुर्मू अपने साथ हमेशा एक ट्रांसलाइट और शिव बाबा की छोटी पुस्तक रखती हैं, ताकि वो कहीं दूसरी जगह जाने आने पर भी उनका ध्यान लगा रहे। द्रौपदी मुर्मू के देश की राष्ट्रपति बनने से ब्रह्मा कुमारी सेंटर में भी खुशी की लहर है। संस्थान का मानना है कि मुर्मू के राष्ट्रपति बनने से उनका व्यक्तित्व देश के करोड़ों नागरिकों को नैतिक मूल्य, संस्कार और अध्यात्म के जरिए जीवन में बदलाव लाएगा। नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 25 जुलाई को राष्ट्रपति पद संभालने वाली हैं। वो देश की दूसरी महिला होंगी जो इस उच्च पद तक पहुंची हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, राजस्थान।